मजमून फिजिक्स क्लास नाओं बाब ट्रियों सबक बारों हिस्सो पहरियों गाठ जा किस्म टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो, सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार मां आया सनावर महर। तो प्यारा बारो, आज ये वीडियो में जिके असा टॉपिक कवर कंदा से वही आहन टाइप ऑफ फ्रिक्शन यानी गाठ जा किस्म है। उन जे टाइप्स में असा पढ़ंदा सी ब एकड़ो असा वट स्टैटिक फ्रिक्शन यानी सुकूनी गाठ और बो काइनेटिक फ्रिक्शन यानी हरकी गाठ। सो हाँ सब का पैर अस पढ़ू था स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन के समझण का पैर अस उन बारे में एक एग्जांपल दिसूँ था और उन बाद में उन डेफिनेशंस और उन कुछ की पॉइंट्स लिखूँ था। सो मिसाल के तौर पर हाँ एकड़ी गाड़ी आका मूव थी करे मूव कदे कदे जो आन खराब थी पी ए खराब थे बाद में जो ड्राइवर लथो ए लहण का बाद में इन इनके धिको दियण स्टार्ट कई। सो जैसे इनके धिको दियण स्टार्ट कई तुधा मुख्य तो ये एकड़ो बंदो इन गाड़ी के मूव कर सो अगत। सो बिल्कुल भी न ठीक है, छो तो गाड़ी तमाम वजनी है इन के करी ताकत गाड़ी के भेट में तमाम घट है। ठीक है, यानी ये जो फोर्स लगाए तो वो गाड़ी के भेट में जो तमाम घट है। उन बाद में इन क्यों बो बंद हो जो इतना मूव कर वे पो उन इलाज कई चे तो बाबा अच तो थोड़ो मुख्य गाड़ी के धक्को तो जराए। सो उन बाद में हू भी बंद अची कर गाड़ी के गुड धक्को दियण स्टार्ट किया। सो जैसे बिन्हीं धक्को दियण स्टार्ट किया तो गाड़ी अगत हली मूव थी वही। ठीक है, तो हि कें पंचर दुकान से या कें भी पॉइंट से वही कर गाड़ी के बिहाई और उतने उनको कम कराई। ठीक है, पहरियों एग्जांपल यो। उन बाद में अस बे मिसाल से हलूँ। हाँ बे मिसाल से मिसाल के तौर पर हिड़ो वो एक बॉक्स पो आको गोरो बॉक्स आनखो बंद आको उन पुश तो करे उनके धक्को तो दे पर हि एडो तो वो गोरो बॉक्स है जो इनके धक्को उन असर ही न तो करे। ठीक है, यानी हि फोर्स लगाए तो पर बॉक्स चुरे न तो। हाँ इन एग्जांपल में इन मथे गाड़ी के एग्जांपल में एकड़ी शे कॉमन आ। ठीक है, वह कॉमन यह है तो जैसे इतने भी एक मानू फोर्स पे लगाए तो बॉक्स मूव न पो करे, इतने भी जैसे एक मानू फोर्स पे लगाए तैं भी हि गाड़ी मूव न पी करे। फोर्स लगाने छा फोर्स वो उन एक्ट न पो करे गाड़ी के बॉक्स पे एक्ट करे पो। ठीक है, पर इन बिन्ही फोर्स की ताकत घट हुई। हाँ कड़ी शे हुई जी इन फोर्स के मुकाबले में इन बॉक्स इन गाड़ी पे लगे। सो हुई फ्रिक्शन हुई जी बॉक्स हेठों उन सरफेस के विच में कॉन्टेक्ट मजबूत क्यों पी थी हुई। उन गाड़ी उन रोड के विच में उन बिन्हीं जो कॉन्टेक्ट हो वो तमाम घणो हो एज कंपेयर टू सिंगल पर्सन एज कंपेयर टू सिंगल मैन। ठीक है प्यारा बारो, सो जैसे एकड़ो बंदो इन गाड़ी के धक्को पो दे तो उनको जो जोर हो वो घट हो गाड़ी के फीथन और रोड के विच में जो कॉन्टेक्ट हो जो फ्रिक्शन हो वो तमाम घणो हो। इन करे जोर लगने के बावजूद भी गाड़ी अगते मूव न पे करे। उन ही ब्लॉक भी इन बंदे के जोर लगने के बावजूद भी अगते मूव न पो करे। ठीक है, सो हाँ इन मतलब इन मतलब यो थो तो अड़ो फोर्स है जो कें ऑब्जेक्ट के जो मूव थियण की एबिलिटी के रोके तो। ठीक है, इन किस्म के फ्रिक्शन के या इन किस्म के फोर्स के अस चूं था स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है प्यारा बारो, तो इन डेफिनेशन के हाँ लिखूँ तो अस डेफिनेशन में चूँ इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दैट रेजिस्ट इट्स एबिलिटी टू स्टार्ट मूविंग। चवे तो हि एक अड़ो फोर्स है जो जै ऑब्जेक्ट से एक्ट तो करे जै ऑब्जेक्ट से लगे तो रेस्ट के दौरान जैसे तो ऑब्जेक्ट सुकून में आ पर वो चाहतो करे वो उन गाड़ी के स्टार्ट थियण की यानी मूव थियण की एबिलिटी के रोके तो। ठीक है, सो इत भी असा दिठो से तो गाड़ी पैर छापे कर मूव पे करे उन बंदो लही अची कर जैसे इनके धिको दिनई तो उन गाड़ी से असर भी न थो यानी इनके धिके के फ्रिक्शन के फोर्स रोको। ठीक है, यानी गाड़ी के मूव थियण न दिनई इतने भी इन ही नमूने से जैसे इन बंदे इन ब्लॉक्स के मूव करने की कोशिश कई तो उतने भी जो फ्रिक्शन इन ब्लॉक के जमीन का
अगते मूव करण जी इजाजत न डिनी ही उत ही जो कहता रुक जी रह जी वो ठीक है प्यारा बारो। सो हाँ एक बी पॉइंट इन में गाड़ी आ रहे अस एग्जाम्पल में दिसूँ उनमें ये दिसूँ तो जैसे एक बंद इनते फोर्स पे लगाए तो गाड़ी मूव न पे करे उन जैसे बो बंद आयो बो मू आयो तो उन बिन्हीं जैसे फोर्स गाड़ी की फोर्स लगाए तो गाड़ी मूव थे स्टार्ट थी। हाँ छो गाड़ी मूव थी छो तो जैसे एक बंद इन गाड़ी से फोर्स लगाए पो तो जो फ्रिक्शन जो फोर्स हो गाड़ी से ठीक है रोड वो रोड जो गाड़ी के फीथे जो तो वो हो जैसे बो मू आयो तो हाँ इन बिन्हीं मानू जैसे गड़ी इन गाड़ी से फोर्स लगाया तो उनके फोर्स की लिमिट जी वह खत्म थी यानी उन फोर्स उन गाड़ी के टायर ए रोड के विच में जो फ्रिक्शन फोर्स हो उनकी लिमिट का फोर्स लगो जैसे कर लिमिट टुटी वही थो गाड़ी अगत मूव थे स्टार्ट थी। सो अस ची सूँ था द मैक्सिमम स्टेटिक फ्रिक्शन जी अस चूं लिमिटिंग फ्रिक्शन तो अस चूं था तो मैक्सिमम जो स्टेटिक फ्रिक्शन है ठीक है वो असो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। सो अस उनके लिखी सूँ इन तरीके से द मैक्सिमम स्टेटिक फ्रिक्शन इज नोन एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी खबर पेजी वही तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैक्सिमम स्टेटिक फ्रिक्शन जो वैल्यू आ उनके अस चूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक है प्यारा बारो। उन बाद में दिसो हाँ यो जो फोर्स आ बेसिकली यो छा तो करे यो रोके तो गाड़ी के मोशन के ठीक है स्टैटिक जो फ्रिक्शन है यो छा तो करे यो बिन ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन के रोके तो ठीक है। हाँ मिसाल के तौर पर जब ऑब्जेक्ट हिं मूव कह तो सरफेस उनके उनके मोशन के पोई तरफ जो धिकने की कोशिश कह यानी फ्रिक्शन पोई तरफ लग यानी बिन्ही में जो रिलेटिव मोशन होंगे उनके यो फ्रिक्शन रोकी तो अस लिखी सूँ था अ फोर्स विच अपोज रिलेटिव मोशन दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन यानी बॉडी एट रेस्ट में आए ठीक है प्यारा बारो। हाँ अस हलूँ था टाइप से जो है असो काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन में भी अस एग्जाम्पल पहले दिसूँ था उन बाद में उनकी डेफिनेशन वगैरह चेक क्यों था। मिसाल के तौर पर मानू आ जो इन बॉक्स के धिके तो बॉक्स हाँ मूव तो थे जैसे ही बॉक्स मूव थो तो तुम भी यह शे ऑब्जर्व कई होंगी तो जैसे का भी शे कें शे हेटों घिसंदी है तो वह आवाज भी कंदी ठीक है। हाँ ये छा तो करे इनते फोर्स लगाए तो ये थी करे ये ये जो बॉक्स आ वो इतने मूव तो करे ये जो बंद आो इन ऑब्जेक्ट के अगते मूव तो कराए ठीक है। पर फ्रिक्शन इनके उन मोशन के रोकने की कोशिश कह उन बाद में बो अस मिसाल था खूँ मिसाल के तौर पर गाड़ी आ ठीक है ये बस आ हाँ बस भी छा वह मूव थी करे हाँ जैसे मूव थी करे तो इन के टायर रोड के विच में भी अस फ्रिक्शन होंद जो इन गाड़ी के जो माना कोशिश कह तो उन मोशन के मैं रोकया अगर मिसाल के तौर पर जैसे हि गाड़ी जो ड्राइवर गाड़ी के स्पीड दई कर छे दे ये यको गाड़ी हलंदी रही बिल्कुल भी न अगत हली कर रुक जी पाँच माँ वह छे रुक भी छो तो उनते भी हेठों फ्रिक्शन लग रोड ए टायर के विच में फ्रिक्शन ठीक है। इनमें गाठ थी वो गाठारो जो जोर होंद वो उन गाड़ी के मोशन के रोकी। सो मिसाल के तौर पर जर बरसात पयल आ रोड अस आला तो उत टायर अस गाड़ी जहाँ स्लिप थे स्लिप थी छो तो उत फ्रिक्शन घटिजी वो या उन बाद में ये भी थी गाड़ी हली हली कर टायर जो घसी वा ठीक है वो घसण के कर भी गाड़ी ज्यादातर कें टर्न से स्लिप थी वी है ठीक है। वो कब आ नवा टायर वही विजबान तो जैसे नवा टायर वठबान तो तुम तो उन नव टायर में इन किस्म जो स्पेसिस मौजूद होंदन हाँ ये स्पेसिस छो मौजूद होंदन जैसे अस सिंधी में चवन तो टायर जो गुड़ियों ठीक है। ये नंढी नंढी जी ये स्पेसिस या ये ब्लॉक्स ठहल इनके अस चव टायर जो गुड़ियों ठीक है। ये गुड़ियों जड़ी वड़ी होंदियों तेरी ग्रिप तेरह फ्रिक्शन हों तो जितो फ्रिक्शन हों ओतो गाड़ी स्मूथ ए सुठे नमूने से मूव कदी ठीक है प्यारा बारो। सो हाँ अस इन में दिसासे तो जो अस काइनेटिक फ्रिक्शन उनकी डेफिनेशन है उनकी डेफिनेशन अस इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन चे तो अड़ो फोर्स जो कें ऑब्जेक्ट के मोशन के रोके या रोकने की कोशिश करे ठीक है। इन किस्म के फोर्स के अस चूँ काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है यानी हलंदड़ जिस्म के मोशन के रोके ठीक है प्यारा बारो।
सो यो जो को फ्रिक्शन हुंदो आ यो हमेशा रिलेटिव मोशन में हुंदो आ सो असा चई सकउ था द रिलेटिव मोशन इज देयर ठीक आ माना ही छा में हुंदो हमेशा मोशन वारे ही जो का मोमेंट में असा जो फ्रिक्शन मौजूद हुंदो ठीक आ मिसाल तो जेकर गाड़ी हले थी तो वो मूव थी करे यानी मूव कहीं 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 सरफेस से या रोड से मूव कहीं तो उन सरफेस उन रोड टायरन के विच में जो अस फ्रिक्शन होंद जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ठीक है ये ब्लॉक जैसे मूव तो करे तो उन दौरान भी इन मूवमेंट के दौरान भी इनमें कड़ो काइनेटिक फ्रिक्शन है ठीक है सो उन बाद में एक बी पॉइंट नहीं लिखा था असा चवे इट इज कॉन्स्टेंट एट एनी वैल्यू ऑफ मोशन ठीक है हाँ चवे तो यो जो फ्रिक्शन होंद यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जो होंद वो कॉन्स्टेंट होंद मोशन जो वैल्यू केतरो भी हो यानी मोशन असा वधायूं या घटायूं ठीक है मिसाल के तौर पर जैसे असि स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ या अस जैसे 40 किलोमीटर पर आवर से अचूँ या 30 से अचूँ या 20 से अचूँ पर उन बावजूद असो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होंद वो हमेशा कॉन्स्टेंट होंद वो तब्दील न थो मोशन के तब्दील थे ठीक है प्यारा भारो सो यह भी अस पॉइंट समझी से उनकी बी की पॉइंट मैं तक बुदा चे तो इट इज इंट्रस्टिंग टू नो दैट द ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो होंद वो काइनेटिक फ्रिक्शन का ज्यादा होंद ठीक है यानी ग्रेटर होंद इन मतलब यो थो तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है उनको वैल्यू जो वो एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है प्यारा भारो तो अस समझी वासे हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन होंद सो प्यारा भारो इन लेक्चर के इतने अज खत्म था क्यों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वरी असा जो फर्दर जो असा जो टाइप्स रहन उनके डिस्कस कंदासी तेस ताईं अल्लाह हाफिज़।